वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मजेदार। द बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च 2023 इज 97,200। द मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% डिमिनिशिंग बैलेंस WDV। कह रहे 1 अप्रैल 2021 को कितने की खरीदी होगी, कितने की खरीदी होगी ये निकालना है। कैसे निकालना है वो सीखना है। 97,200 का बैलेंस है बिफोर डेप्रिसिएशन या आफ्टर डेप्रिसिएशन? आफ्टर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2023। तो अगर एक बैलेंस पे जाएं तो 1 अप्रैल 2022 को कुछ बैलेंस था, फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लगी होगी 2022-23, फिर 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को बैलेंस आया 97,200। यस और नो? ये इंफॉर्मेशन गिवन है। लेट द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2022 बी एक्स। तो जिस साल का आपको बैलेंस दे रखा है ना क्लोजिंग, ये क्या है क्लोजिंग बैलेंस, उस साल का ओपनिंग बैलेंस एक्स ले लो, उस साल का ओपनिंग बैलेंस एक्स ले लो, लेट द ओपनिंग बैलेंस बी एक्स। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2022-23 विल बी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% ऑफ एक्स विच इज 0.1x। यस और नो? यस और नो? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अरे अगर वैल्यू एक्स है तो उस साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी? 10% ऑफ एक्स विच इज 10/100x विच इज 1/10x विच इज 0.1x। ज्यादा तो नहीं कूद गया मैं? पक्का? तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? एक्स माइनस 0.1x विच इज इक्वल टू 0.9x, और 0.9x हमें दे रखा है 97,200। तो एक्स विट बी 97,200 डिवाइडेड बाय 0.9। तो डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैलकुलेट करेंगे 97,200 इंटू 10/9, तो वैल्यू आई 1,08,000। 1,08,000 वो तो क्वेश्चन का एरर है, वो क्वेश्चन का एरर है। यहाँ पे थी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2022, ठीक है ना? 1,08,000, 1,08,000, क्योंकि यही आ गया। क्लियर है? समझ आया ना कैसे निकला? बट मैं कह रहा हूं ऐसे दो दो साल के भी आ सकते हैं, तीन तीन साल के भी आ सकते हैं, तो यही सेम स्टेप रिपीट हो जाएगा। अब अगर पिछले साल में आते हैं, पिछला साल क्या था 2021-22, तो 22 मतलब क्लोजिंग बैलेंस अगर 1,08,000 है तो ओपनिंग बैलेंस वाई ले लो, 10% ऑफ वाई ले लो, तो 0.9y अगर 1,08,000 है तो उससे पहले चले जाओ तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है ना? तो अगर फर्स्ट, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये निकालना है कि 1 अप्रैल 2021 का निकालता हूँ, चलो वो भी निकालता हूँ ना, एक और स्टेप सीख जाएंगे, एक और स्टेप सीख जाएंगे कि 1 अप्रैल 2021 का निकालो। ये कब का निकल गया? 1 अप्रैल 2022 का तो निकल गया। अब इसी में ही वर्किंग नोट नंबर कंटिन्यू हो रही है, ठीक है ना? कलर चेंज करते हैं, ये यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। अब 1 अप्रैल 2022 को बैलेंस था 1,08,000, तो हमें चाहिए 1 अप्रैल 2021 को क्या होगा? लेट द ओपनिंग बैलेंस बी वाई, डेप्रिसिएशन इज 0.1y, ओपनिंग बैलेंस वुड बी 0.9y, क्लोजिंग बैलेंस सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस मतलब 1 अप्रैल 2022 वुड बी 0.9y, तो 0.9y इज इक्वल टू 1,08,000, y इज इक्वल टू 1,08,000
डिवाइडेड बाय 0.9, तो कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1,20,000। तो इसमें ये है करेक्ट आंसर, गलत है 1,08,000। अगर मतलब कहीं तो एरर है, या तो क्वेश्चन में एरर है या आंसर में एरर है, तो क्वेश्चन हम यही सही मान लेते हैं, तो आंसर 1,20,000 है। आंसर क्या है, 1,20,000। बट मोर देन द आंसर द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो तो अलग बात हो गई, बट बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और सोचो ना कौन पहुंच पाएगा इस लेवल तक, जो सारे स्टेजेस क्रॉस करके आया, जो सारे स्टेजेस क्रॉस करके आया है उसके लिए डेप्रिसिएशन नहीं, ये एक नॉर्मल मतलब जैसे कहते हैं ना एक पजल मान सकता हूँ मैं, कि इसमें डेप्रिसिएशन से ज्यादा आपके एनालिटिकल स्किल्स यूज हो रहे हैं। बट मैं कह रहा हूँ कर वही पाएगा जिसको सब कुछ पता हो क्या रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।